अगली खबर में बात करते हैं नशा मुक्त एवं रोजगार युक्त समाज की रचना को लेकर। कौशल विकास योजना अंतर्गत स्लम बस्ती निराला नगर में महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार हेतु निःशुल्क सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कमिश्नर अनिल सुचारी, रीवा जोन के ADG KP वेंकटेश्वर राव, DIG मिथिलेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, CSP शिवाली चतुर्वेदी, वार्ड पार्षद सतीश सिंह मौजूद रहे। दीपह ज्योति परम ब्रह्म, दीपह ज्योति जनार्दन, दीप में हरत पापम, दीपर ज्योति नमस्ते। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माया साकेत, सविता पटेल, नाम चेक जरूर कर लेना बेटा आपके लिए, सुनीता बशोर, ममता बशोर, इधर 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 देखिए सर, रंजिता बशोर, आरती साकेत, आरती साकेत, इधर देखिए कैमरे पे, मंगोली बंसल, जो टीम है जिन्होंने प्रशिक्षण किया है उनको भी। हमारे बीच विराजमान पूछेगा हमारा स्वागत करें सर सामने। इसी कड़ी में हमारे भी विराजमान श्री देवी वेंकटेश्वर राव जी विराजमान हैं, उनके भी स्वागत के लिए भाई साहब से आग्रह करूंगा अपने पुष्प पुष्पे का स्वागत करें। हमारे बीच उप पुलिस महानिदेशक महानिदेशक रीवा, पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा अनिल सोनकर जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा। तो और भी सब बनाए, जब भूल गए हैं तो फिर अधूरा काम छोड़ने के बराबर होता है, मेरा तो मानना है। काम जब करें तो फिर कंप्लीट पूरा कोई बच ना पाए, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग देने की कला है, आपके पास CSR का फंड है, आपका योजना है, और यदि उस योजना का एक जगह पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम एक आदर्श नगर इसको बनाकर और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे दूसरे इलाकों के लिए, दूसरे कॉर्पोरेट जो हैं उनको बोलेंगे कि फिर ने ये कर दिया तो फलानी जगह आप भी कर सकते हो, आप तो नहीं कर सकते दूसरे, तो उनके बोलने का लहजा बदला हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं थी कि हमारे पिताजी ने माता जी को सुनाया नहीं देता, पिताजी है नहीं उल्टा माता जी, ठीक है ठीक है, माता जी नहीं है, पिताजी को दिखाई नहीं देता। जीवन जीवन निराशा से भरा हुआ, लेकिन आज उसके चेहरे पे चमक ये बता रही है कि नहीं हम कर सकते हैं। आज हम 10,000 रुपए महीने कमा रहे थे तो 20,000 कमाएंगे, उसके जीवन में नई आशा की किरण पैदा होगी। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर और कहता है कि आत्मा का सुराग नहीं हो सकता, यदि ऐसा हो सकता है तो जो ये सोच रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई हमको सहारा नहीं देगा, चाचा जी खर्चा चलाते थे, लेकिन आखिर कब तक कोई चलाए? यदि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश भी करेंगे तो कौन हमको गाइड करेगा? ये सारी चीजों को देखने को और सुनने को यहाँ पर हम लोगों को मिला है, और ऐसा लगता है कि हो सकता है रीवा शहर में प्रिज्म सीमेंट के तरफ से CSR में एक बस्ती में हमने पुलिस विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कुछ महिलाओं को हमने 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया था सिलाई में, और उनका जो है सिलाई
कमीशन आज वितरण करवाया है। तो इसमें माननीय विधायक जी भी आए थे और कार्यक्रम उनके उसके द्वारा भी हमने सिलाई मशीन वितरण किया है। एक छोटा सा एक पहल पुलिस विभाग तरफ से किया है कि इसमें जो है बस्तियों में और शहर में जहाँ जहाँ नशा कार्रवाई होती है और क्राइम होता है और बच्चे जो है अपराध में चले जाते हैं, उन लोगों को हमने ध्यान में रखते हुए ये महिलाओं को विशेषकर उनको हमने ये ट्रेनिंग दिलवाया ताकि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। थैंक यू।